हाँ, वो आदमी खड़ा है ना जहाँ पे, वहाँ बोर्ड है। रुको जरा एक मिनट। बाबा, ओ बाबा, बख्शी बिल्डर्स का साइट देखा है क्या? सीधा जाइए, पर बोर्ड पे लेफ्ट और राइट दोनों लिखा है। जाइए ना। 10 रुपए दे रहा। ये लो बाबा, ये लो आपके लिए, रख लो। आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको एक उपहार दे रहा हूं। इस पौधे की तरह, इस प्रकृति की तरह आपका परिवार हरा भरा हो, फले फूले। अकबर, अकबर, अकबर सर, लीजिए ना। नहीं चाहिए बेटा। सर, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ, ये तो एक गिफ्ट है। सर, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि मुंबई में हर साल 20,000 पेड़ काटे जाते हैं। सर, ये पौधा हम सब एक एक करके हर साल 20,000 पौधे लगाएंगे। सर, सर प्लीज लीजिए ना, हर एक सैपलिंग बहुत कीमती है। थैंक यू। बख्शी बिल्डर्स का कंस्ट्रक्शन साइट यही है? हाँ। रुको जरा। थैंक यू। कहाँ जाना है साहब? बख्शी जी के ऑफिस जाना है। आप यहाँ पे फ्लैट खरीदने आए हो? हाँ। तो ये लीजिए मेरी तरफ से सैपलिंग। ऑलरेडी 2 saplings हैं, एक और? एक से बोले 2, 2 से बोले 3। वैसे आपके पास कितनी कार्स हैं? 3। अरे बाप रे, आपको पता है एक कार कितना एयर पॉल्यूट करती है? वो तो ठीक है, बट इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स माय नीड बेटा। ठीक है, आपको जितनी कार चाहिए उतनी खरीदिए, लेकिन हर कार के साथ एक पौधा लगाइए, क्योंकि आपकी कार जितना कार्बन छोड़ेगी उसे पेड़ खा जाएगा और ऑक्सीजन बाहर फेंकेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी टलेगा। लीजिए ना सर। यस, यू आर राइट। लगता है आज वर्ल्ड सैपलिंग डे। थैंक यू। हाँ, बख्शी साहब का ऑफिस इस बिल्डिंग के पीछे। मेरी ड्यूटी खत्म, चलता हूँ साहब। वेलकम वेलकम मिस्टर अस्थाना। अरे हम तो आप ही की राह देख रहे थे, साइट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ बख्शी जी, सुबह से काफी घूमना हो गया। चलिए आपका मॉडल फ्लैट जल्दी से देख लेते हैं। बस अभी गुप्ता, आयस गुप्ता, मॉडल फ्लैट का चाबी लो, चलो जल्दी जल्दी आइए। सर एक प्रॉब्लम है, चाबी मिल नहीं रही। सर क्या बात कर रहा है गधे, चाबी तो हमेशा तेरे पास रहती, जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर आ, बड़ा कस्टमर है। आइए आइए अस्थाना जी। अभी अभी लाए, यहाँ तो रुकी थी, कहाँ गई? साहब तू बैठ। साहब हाँ, क्या यही चाबी ढूंढ रहे हो? यहाँ कैसे पहुंची? आइए सर आइए, ये है हमारा मॉडल स्पेशियस फ्लैट, हाइट 9 feet 3.5 inches। आप तो मैं कहता हूँ टॉप फ्लोर के पूरे फ्लैट ले लीजिए, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू एंड जबरदस्त हवा, वेरी एयरी। अच्छी हुआ, अच्छी हुआ। जल्दी बोल कस्टमर के साथ में। हाँ तो अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो हम तो कहीं भी घूम सकते हैं। अरे पार्क हो, शौचालय हो, सब चलेगा। बख्शी साहब जरा यहाँ आइए। क्या? 1 minute। लगता है आपको इन सैपलिंग से बहुत मोहब्बत है, ये देखिए आपने तो पूरा रेन फॉरेस्ट बिछा दिया है। यू नो आई लव नेचर। नेचुरल बिल्डर सर? यस आई लव नेचर। नीचे मैं बहुत बड़ा गार्डन बनाने वाला हूँ, वहां पर क्या है ना, ये बहुत सारे पौधे, ये सारे सारे के पौधे वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, शिफ्ट कर दिए जाएंगे, वी विल मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन। आई लव नेचर। यू शुड, गुड, गुप्ता गुप्ता तूने तो फ्लैट चमका दिया, अच्छा खासा चमका दिया। मैंने चमकाया था सर, पता नहीं सर ये पौधे कहाँ से उग गए। 10 मिनट में पता कर ये पौधे कहाँ से आए, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मालूम है, मालूम इस बार पक्का निकाल दूंगा मैं। ये पूरा एरिया बड़ा जबरदस्त हो जाने वाला है, मॉल जा रही है सामने, सिनेप्लेक्स आ रहे हैं, मेरे पास तो एक फ्लैट के 10-10 क्लाइंट्स हैं। आप अपने पुराने इन्वेस्टर हैं इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से बुकिंग करा लीजिए। अंकल आपको फ्लैट पसंद आया? हाँ बेटा पसंद आया। यानी आपका हाउस तो बन जाएगा लेकिन हमारा ट्री हाउस तो टूट जाएगा, क्योंकि आपके फ्लैट के लिए ये लोग इस पेड़ को काट रहे हैं।
अरे रे बेटा, ये पेड़ काटना बहुत जरूरी है। तुम क्या समझोगे बड़ों की बातों को? इन पेड़ों की बातें आप कहाँ समझ रहे हैं सर? इस एक पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने में कितने साल लगते हैं मालूम है आपको? आप तो बस इस पेड़ को एक घंटे में काट दोगे। ये पौधा मुझे दे दीजिए, मैं लगा देता हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप लगाएंगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अंकल, आप हमारे पेड़ को बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप इन्हें रोकेंगे तो ये मान जाएंगे। हमारा पेड़ तो किसी होर्डिंग के सामने नहीं आता, और वो सड़क के बीच में भी नहीं है। प्लीज सर, हमारे ट्री को बचा लीजिए। बच्चे बड़े इमोशनल हो रहे हैं। ये लीजिए, बहुत खूबसूरत पौधे हैं, बच्चों ने मुझे दिए, इन्हें गार्डन में जरूर लगाइए। आई लव नेचर, एक ही चीज से प्यार है मुझे, नेचर से। दैट्स ट्रू, आई विल सी यू। ओके चलो। तो तुम वो बच्चे हो जिनकी गुप्ता इतनी तारीफ करता है, आज दर्शन हो गए। आई लव नेचर, आई लव नेचर। मैं तो अपनी बिल्डिंग में सब कुछ नेचुरल इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग इस पेड़ को बहुत प्यार करते हैं ना, दैट्स गुड। इसीलिए आपने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट को सब बता दिया। आई लव नेचर, कल मैं इस पेड़ को काट के फेंक दूंगा। सरकार का परमिशन है मेरे पास में, परमिशन है। अभी तक जो तमाशा होना तो हो गया, अब मैं देखता हूँ तुम लोग इस पेड़ को कैसे बचाओगे। सर, इनकी नौटंकी में ये कामचोर मिशन है। हाँ, और इसी ने मॉडल फ्लैट की चाबी चुराई थी। और ये इन बच्चों का खबरी है। काम मेरे लिए करता है और इनकी रामलीला में शामिल है। तुझे और तेरी माँ को देखना पड़ेगा। भपता, ले जाता उसको अभी। छोड़ दो उसे। ए, हट। उसने कुछ नहीं किया, हमने कहा था उसे। किसने क्या किया है सब पता चल जाएगा। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा कि किस तरह से तुम लोग मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके? आई, वो सभी अच्छे दोस्त है मेरे, हमने गुप्ता को कई बार भगाया है। वो आमिर बाप के बच्चे हैं, वो जोकर ऐसे ही है, और हमें सिर्फ मार पड़ती है, गाली मिलती है। दोस्ती के खातिर कितनी मार पड़ी है तेरे को, कोई आया बचाने? देखो करण, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से पेड़ नहीं बचेगा। आप क्यों नहीं बचाते पेड़ को? देखो, बख्शी साहब ने सोसाइटी को डोनेशन दिया है और सोसाइटी ने उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, और उन डोनेशन के पैसों से सोसाइटी के मेंटेनेंस का खर्चा निकलने वाला है। सारे मेंबर्स यही चाहते हैं। एट करंट, वी आर नॉट सोशल वर्कर्स। मिडिल क्लास लोगों के मोर्चा निकालने से कुछ नहीं बदलता। 20,000 + 1 = 20,001। एक पेड़ से क्या फर्क पड़ता है? वो कोई चार फलियों का लकड़ी का घर नहीं आई, वो घोंसला है हमारा। तेरे को समझ में नहीं आता? समझ में नहीं आता क्या है? तब से बोले जा रहा है, है? अरे सबसे पहले, घर से पहले ये पेट पालना पड़ता है। पेट कहाँ जाऊंगी मैं तुम दोनों को लेके? इन अमीर बच्चों के चक्कर में अगर ये गुप्ता में निकाल दिया ना, तो इस भिखारी के साथ बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। तब क्या करेगा? यही चाहता है ना? भीख मांगती रहूंगी क्या मैं? आप क्या करूँ? तब से समझता नहीं, समझता नहीं। तू रो मत आई, तू रो मत। मैं कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पे, नहीं जाऊंगा मैं आई, कभी नहीं जाऊंगा मैं वहाँ पे। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो,
देखो हाँ हाँ ये वो भिखारी है नहीं, ना? नहीं सर भिखारी नहीं सर ये यही बच्चों को भड़काते है। देखो जब हम पेड़ काटने जाएंगे ना तो ये अपनी टांग अड़ाएगा। कैसे अड़ाएगा? ये ऐसे अड़ाएगा ये। अरे हम क्या कोई अंडे में बंद किए हुए चूजे हैं? जिसका जब दिल करेगा ऑमलेट बना लेगा, जिसका जब दिल करेगा उबाल के खा लेगा। इस बार पहला अंडा मैं मारूंगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता इसको अंडे से कुछ होगा सर। अबे गधे कुत्ता, इसको इस बार ठिकाने मैं लगाऊंगा। ओ I love nature. रावण तुम ऊपर हो क्या? रावण सुनाई दे रहा है? बाव 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 बाव। इतनी रात गए क्या कर रहे हो? मुझे एक भयानक सपना आया। हमारा पेड़ नहीं बचेगा और अब तो राम भी हमारे साथ नहीं है। बख्शी ने तुम्हारे सोसाइटी को पैसे दिए और राम की मां को लात। राम की हालत उसकी मजबूरी है, लेकिन तुम मायूस मत हो। अभी तक हम लोगों ने पेड़ को बचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। रियली? भगवान की प्रार्थना करते हो? दिन में दो बार। बस सच्चाई से अपना काम करो और बाकी उन पे छोड़ दो। क्रिकेट में तो तुमने सुना है, द गेम इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। अरे तुम इंग्लिश बोलते हो? मेरा पोता राहुल इंग्लैंड जा रहा है। I have to speak to him in English, है ना? इसका मतलब तुम वापस अपने परिवार से फ्रेंडशिप करोगे? हाँ, प्यार सब कुछ बदल देता है। बेटे बहू माफी मांग रहे हैं। दो कदम वो आगे बढ़ेंगे, मैं दो कदम आगे बढ़ूंगा। अपनी जिद में बाकी जिंदगी मैं अकेला नहीं बिताऊंगा, नहीं बिताऊंगा। और तुम लोगों की दोस्ती ने हमें सिखाया है, ये बुढ़ापा एक नया बचपन है। ये बचपन में राहुल के साथ जीऊंगा, राहुल के साथ जीऊंगा। हाँ, I have got a surprise gift for you. Come, come. ये तुम्हारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तू इधर रहता है? हाँ, क्या हुआ? क्यों मैं बूढ़े? बहुत दंगा फैलाता है तू। तेरे खिलाफ बहुत शिकायतें आई है। सब सब झूठ है, सब सब झूठ है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका झोपड़ा तोड़ दो। चल बे, तुझे थाने की सच्चाई दिखाता हूँ। चल। नहीं सब, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया सब। सर, कुछ नहीं किया सर। ये बहुत अच्छे इंसान है सर, इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? ए लड़के, जबान मत लड़ा या तुझे भी थाने लेके चलूं? नहीं सब, इसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। ए तू बीच में मत पड़, घर जा, घर जा तू। चल गाड़ी में बैठ। रावण तुम्हारा बैग कहाँ है? रावण जल्दी बताओ, रावण तुम्हारा बैग कहाँ है? भूलती क्यों नहीं, बताओ ना। सर सर प्लीज गाड़ी रुकिए सर, इनका बैग पीछे छूट गया है। प्लीज ए बच्चे, बड़े कलाकार है सर। बहाना मत बना, चल। अरे गाड़ी काट। रावण रावण बताना तुम्हारा बैग कहाँ है? रावण रावण बताना। गुड बाय भिखारी।
थी। करण, कम, प्लीज शेयर योर प्रोजेक्ट विद अस। मेरे पास कोई मॉडल नहीं है और इस प्रोजेक्ट के लिए ना ही मैंने कोई रिसर्च किया, लेकिन हाँ मैंने एक घर बनाया अपने दोस्तों के साथ, जहाँ हमने दिन भर बहुत मस्ती की है। इस घर ने हमें दो दोस्त दिए, एक भिखारी और एक मजदूर लड़का, और आज तक इस दोस्ती की मजबूती से हम हमारे ट्री हाउस को बचा पाए। ये ट्री हाउस ब्रिक्स या सीमेंट से नहीं बनाया गया, घर ब्रिक्स से नहीं, रिश्तों से मजबूत बनता है। हाँ, हमारे घर का असली रॉ मटेरियल तो वो पेड़ है, उस पेड़ में भी जान है, लेकिन उसने कभी ट्री हाउस बनाने से हमें रोका नहीं, और कल उसे काट भी दो तो भी वो कुछ नहीं करेगा। जो लोग उसे काटने से रोक सकते हैं वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक पेड़ ही तो है। तो आज एक पेड़ काट देते हैं और कल दूसरा, और एक एक करके हम हजारों पेड़ काट देते हैं और उन पर बने हुए अनगिनत घोंसले तोड़ देते हैं। कल हमारा भी पेड़ कटेगा, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सीडियट गुप्ता पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, खुद इधर खड़ा रह के ये काम करवाऊंगा मैं। देखा देखा, इसे कहते हैं मेरा असर, इस बिल्डिंग का एक भी बच्चा नहीं है इधर। तुम बजा अरे यार, ये पेड़ तो मुझे हार्ट अटैक देकर छोड़ेगा। ए बच्चो, ए बच्चो, नीचे आ जाओ। अरे तुम लोग नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। पेड़ मत काटो। क्या कहा? बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। तुम लोग बख्शी को जानते नहीं हो, अब देखना मैं क्या करता हूं। यू जस्ट वॉच। चल कुछ पंगा होगा। मैं जितनी दिवाली चाहिए मैं दूंगा। इन बच्चों को इस पेड़ से नीचे उतारो और भगाओ यहां से। यस सर। मुंबई में छेड़ा गया है अद्भुत युद्ध। एक तरफ है ये बच्चे जो इस पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं और अपने जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है शहर के मशहूर बिल्डर बख्शी कंस्ट्रक्शन। हाँ तो बख्शी जी, इन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मेरे पास सरकारी परमिशन है इस पेड़ को काटने की, और ये देखिए आज के बच्चे गुंडागिरी पर उतर आए हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। बख्शी कंस्ट्रक्शंस वर्सेस ये मासूम बच्चे। मासूम? इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भी इतना रोमांचकारी संघर्ष नहीं होगा। अब हमें ये देखना है क्या ये बच्चे इस पेड़ को बचा पाते हैं या नहीं। हम नीचे नहीं आएंगे। अरे ये लोग तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, जल्दी से नीचे आओ। I'm sorry मम्मी, पर मैं नीचे नहीं आऊंगी। लड्डू, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रितेश, बेटा नीचे आ जाओ। रुक जाओ, नीचे आ जाओ रितेश। करण, करण नीचे आओ। करण अभी नीचे आ जाओ।
करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन सबको कहो और नीचे आ जाओ राइट नाउ। देखो किसी को भी चोट लग सकती है। चोट तो पेड़ को लगेगी अगर हम लोग नीचे आ गए तो। करण डोंट एक्ट टू स्मार्ट। देखो संभालो। रितेश लग गई ना आपको, आपको बोला था चलो अब यहाँ से चलो। करण तुम्हारे बहकाने से तुम्हारे दोस्त ऊपर हैं, तुम नीचे नहीं आए तो वो भी गिरेंगे। अब एक ट्री हाउस के लिए तुम इतने खुदगर्ज कैसे बन सकते हो? गेट डाउन, देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग दिस, प्लीज। नीचे चलो। गाड़ी साफ कर। हाँ साहब। ओके सर, तुम्ही कधी येणार पुन्हा? उद्या परवा येईन। तुम्ही व्यवस्थित तयारी ठेवा। ठीक आहे, येतो मी। ओके सर। ए, ये आदमी किधर गया? अभी मुझे तेरा नौटंकी नहीं चाहिए। ऑलरेडी इधर बहुत ड्रामे हो गए। ए भाई संभाल तेरे इस काम से और लाग देखो। बक्सी जी, मैं अब कभी काम चोरी नहीं करूँगा। अब जो काम कहेंगे वो करूँगा। हमारा ये पेड़ मत काटिए, हमारा घोंसला मत तोड़िए। अच्छा 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 अच्छा, ये ट्री हाउस तुम्हारा घोंसला है? अच्छा अच्छा, आजा बेटा आजा, नहीं काटते। ये घोंसला तूने बनाया? मैंने बनाया। तेरा डिजाइन है? अब तू ही काटेगा इसको, काट इसको। ए सलिया दे इधर, इधर। चल 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 चल, काट इसको। ये घोंसला तूने बनाया है, अब तू ही काटेगा, समझ गया बात को? चलो सबके सामने काट इसको, अभी इसी वक्त काटो, चलो। चल भाई, नहीं तो तुम दोनों को अभी काम से निकाल दूंगा। बोल इसको, चल बोल इसको काटने के लिए, नहीं तो तुम दोनों को अभी यहाँ से काम से निकाल के सड़क पर फेंक दूंगा। बोलो, तूने मेरी साइड से लकड़ियां चुरा के ये अपना घोंसला बनाया, अब तू इसको तोड़ेगा। ऊपर चढ़ और ट्री हाउस को तोड़ दे। ए भाई बोल इसको, बोल। तोड़ो
बस अभी और टाइम वेस्ट नहीं करने का, काटो इसे जल्दी। रुको रुको रुको, ए तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल यहाँ से भाग चल। मैं तुम्हें कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। ये पेड़, ये डाली, ये पत्ते, ये सब में भगवान है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। लालच में तुम अंधे हो गए हो। मैं तुम्हें ये पेड़ काटने नहीं दूंगा। ए बे तू हो तो कौन है, चल यहाँ से, चल तू पहले। ए पाटिल, किस बात के पैसे देता हूँ मैं तुम लोगों को? एक भिखारी को नहीं संभाल सकते? सर आई एम रियली सॉरी सर, ये एड़ा यात्रंगी है सर, मैं इसे हैंडल करता हूँ। अबे चल बे, चल चल। ए बख्शी, तूने इनकी तपस्या नहीं देखी, लेकिन वो देख रहा है। ये पेड़ इनकी प्रार्थना है और भगवान इनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। अच्छा, तुझे बहुत विश्वास है ना कि ये पेड़ बच जाएगा? बिजली गिरेगी मेरे ऊपर और मैं चल जाऊंगा और ये पेड़ बच जाएगा। बारिश होगी जोर की और मैं बह जाऊंगा और ये साला पेड़ बच जाएगा। ए भिखारी, हिलना नहीं तू यहां से, यहीं खड़े रहना और तेरे सामने ये पेड़ काटूंगा मैं। ए इडियट्स, तुम कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? काटो इसको। कोई बिजली नहीं गिरी मेरे ऊपर अभी तक। साहब ये तो खोखला है। अरे जैसा भी है काट इसे। साहब ये देखिए क्या, पेड़ में गणपति। अरे यार ये पेड़। देख वो देख, वो देख गणपति पापा। अरे चमत्कार हो गया, ये तो स्वयं को प्रकट हुए। बोलो गणपति पापा। हमारा पेड़ बच गया। ये। प्रिया जरा वो बैग दिखाना। बैग? गणपति के पिक्चर्स। वाव। यही रावण के हथियार है? ये हथियार नहीं, मूर्ति बनाने के औजार है। मतलब अभी तक हम लोगों ने पेड़ को बचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। अब तुम्हारा ये पेड़ कोई नहीं काटेगा। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। ये इतने तमाशे के बाद मेरी जान में जान आई, मुझको बचा गई रावण और बच्चों की चतुराई। हाँ भाई, मैं ही हूं ये घुंघराले पत्तों वाला गुड लुकिंग ट्री, और मेरी तोंद के मंदिर से होता है चंदा कलेक्ट, जिससे राम जाता है स्कूल, बनना चाहता है आर्किटेक्ट। संभाल के जाना। प्यार का चमत्कार हो गया, इनका बेड़ा पार हो गया, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में प्यार हो गया। और हाँ, हमारे मांझी रावण जी यानी कि सुधीर आपके हमारी नैया पार लगा के अपने घर को झपटे। अब अपने पोते को भी मेरी कहानी सुनाते हैं, पर गणपति बप्पा का सीक्रेट नहीं बताते हैं।
पर सारे पेड़ इतने किस्मत वाले नहीं, क्योंकि सब लोग इन बच्चों की तरह हमारे रखवाले नहीं। रोज कट रहे हैं, गिर रहे हैं, हो रहे हैं गुम, क्या फिर भी कुछ न करोगे तुम? आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी पेड़ों की आहट, पत्तों की सरसराहट, बारिश की टपटपाहट। तुम्हारी दुनिया का ये हिस्सा नहीं बचेगा। जोर लगाओ, बचाओ, वरना ये किस्सा नहीं बचेगा, ये किस्सा नहीं बचेगा।